तो गाइस रात के 2 बजने लगे हैं एक्चुअली मैं गुड मॉर्निंग न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं चंद्रपुरा से डायरेक्ट। तो ट्रेन तो मेरी चली, मैं देखता हूँ एक ऑटो वाले को पकड़ता हूँ। एग्जिट कुछ ऑटोज लगी हैं, देखता हूँ इनसे पूछ के, क्योंकि ऑनलाइन तो कोई होटल अच्छी दिख नहीं रही थी और आसपास भी ऐसी कोई खास बड़ी होटल है नहीं है, बहुत छोटा एरिया है, थोड़ा रूरल टाइप है, अभी डेवलप नहीं हुआ उतना। वैसे तो कल DVC जाना है, आज होटल में रुकना था रात में। और कोई और आसपास या और अगर ऑटो से जाते हैं आसपास तो 5-6 किलोमीटर है कोई बढ़िया होटल? ये घड़ी हम बार बार आपको इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि ये महंगी है, बल्कि इसलिए दिखा रहे हैं कि आप टाइम नोट कर लो, क्योंकि हमारा असली सफर SUFFER वाला सफर। तो गाइस फिलहाल मेरी शक्ल आपको बता रही होगी कि मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं आप ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँ। पूरे 3 घंटे और 600 रुपये वेस्ट करने के बाद ऑटो वाले भैया के साथ हम यहाँ से घूमते घूमते खुसरो तक पहुँच गए। यहाँ से 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे खुसरो, पर एक रूम तक नहीं मिला मुझे रात में रुकने के लिए। लास्ट में हमने बहुत बड़ी कहानी है, मैं कल सुबह उठ के बताऊँगा, ऐसे समझाऊँगा तो आप समझोगे नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपनी लाइफ में कभी भी चंद्रपुरा मत आना। DVC को छोड़ के यहाँ कुछ भी नहीं है, एक बहुत मुश्किल से रूम मिली है, ये भी रूम मतलब बस आज रात भर कैसे सो जाऊँ, रात के अब तो 4 बज चुके हैं, 2 घंटे कैसे सो जाऊँ। अगर आपको DVC में क्वार्टर्स मिलते हैं फिर तो सही है, अगर गेस्ट हाउस या क्वार्टर मिलते हैं और फिर आप चंद्रपुरा आते हो फिर तो ठीक है, वरना चंद्रपुरा मत आना, आप बोकारो चले जाना, वहाँ पे आपको होटल्स मिल जाएंगे, वहाँ स्टे कर सकते हो और यहाँ से बस 12 किलोमीटर ही है, पर चंद्रपुरा बिल्कुल भूल के भी मत आना। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट द डे। अब मैं बताता हूँ आपको कल रात की स्टोरी, कल रात हुई क्या मेरे साथ। मैं स्टेशन पर उतरा 1 बजे, तो मैंने गूगल के सारे पेजेस पे चेक किया, जितने भी सर्च रिजल्ट्स आए हर पेज पे गया, पर कहीं कुछ भी नहीं मिला चंद्रपुरा से रिलेटेड। सारे होटल्स या लॉज, गेस्ट हाउस, PG यहाँ से 11-12 किलोमीटर दूर दिखा रहे हैं बोकारो सिटी में। सबसे कन्वीनियंट वे जो होता है, हमने ऑटो वाले भैया से बात करी और ऑटो वाले भैया को बोला कि भैया आसपास कोई रात रुकने के लिए होटल है तो वहाँ ले चलो, फिर सुबह मैं DVC के गेस्ट हाउस चले जाऊँगा। इसलिए हमें एक गुड न्यूज़, उन्होंने बताया यहाँ पे आसपास वैसे कोई होटल्स है नहीं, बस 2 लॉज हैं, तो हम बोले चलो वहीं पे चलते हैं फिर आराम कर लेंगे, बस रात भर की बात है, 4 घंटे हैं, सुबह उठ के वापस से प्लांट। हम सबसे पहले आए भरत लॉज, स्टेशन के जस्ट पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर। मुझे पता था नहीं तो मैंने ऑटो ले लिया, रात के 1 बज रहे थे। भरत लॉज पर कॉल किया, नॉक किया, किसी ने नहीं खोला। उन्होंने बोला चलो नेक्स्ट है सिटी लॉज, जस्ट बगल में उसके 10 मीटर पर। सिटी लॉज में कॉल किया, किसी ने नहीं खोला। वहाँ पे हमें कुछ मिला नहीं तो हम सोचे चलते हैं DVC गेस्ट हाउस। DVC गेस्ट हाउस चले तो गए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग थी, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर रिसेप्शन रूम्स, हर जगह देख लिया, एक बंदा कहीं नहीं दिखा पूरे DVC के गेस्ट हाउस में। तो फिर भैया हमें कुछ समझ आया नहीं, DVC में कोई दिखा नहीं। ऑटो वाले भैया से हमने बात करी और हमने पूछा कि क्या बेस्ट होगा बोकारो जाना, तो उन्होंने बताया बोकारो से नॉर्मल आपको ऑटोज नहीं मिलेंगे जल्दी। अब ये तो नहीं पता कि ये सही है या नहीं, वेरीफाई करने का कोई तरीका था नहीं। उन्होंने बोला खुसरो चलते हैं, जो यहाँ के पास में बरमू सब डिवीज़न में आता है, मैंने गूगल पे सर्च किया बाद में, तो उन्होंने कहा वो थोड़ी सिटी टाइप है, वहाँ पे डेफिनेटली होटल्स मिल जाएंगे। वो है भैया यहाँ से 17 किलोमीटर। तो हमने बात करी किराए के लिए, उन्होंने बोला 500 लगेगा। उन्होंने बोला चलो रात बितानी है तो जाना ही पड़ेगा। पूरे जंगलों में होते हुए पहुँचे हम खुसरो, 17 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने कवर करी कुछ आधे घंटे में। कोहरा इतना हो रखा था कि हर 2-2 मिनट में ऑटो स्टॉप करके और ग्लास, वो जो वाइजर होता है उसे क्लीन करना पड़ रहा था।
जैसे तैसे हम पहुंच गए खुसरो। अब खुसरो पहुंच के जब हमने सारे लॉज और होटल्स में नॉक किया, कॉल किया, एक तो मैक्सिमम होटल्स के बाहर नंबर नहीं डाले हमने। अब जब हमने नॉक किया डोर तो किसी ने खोला नहीं। पूरे खुसरो सिटी में हमें सिर्फ एक चाय वाला मिला। चाय वाले भैया से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया भैया रात 11 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं खुलेगा, होटल न लोहा। तो ये पता नहीं क्या अजीब सा पंगा है इस सिटी का या विलेज, ये तो बिल्कुल रूरल एरिया है। मतलब दो होटल्स हैं पूरे सिटी के अंदर, लॉज है वो भी होटल्स नहीं है, बेसिकली वो लॉज है। खुसरो में मिले हमें एक आदमी, उन्होंने बताया उनका सिटी लॉज में कुछ जान पहचान है और उनके पास पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है इनका। फिर इत्तेफाक से उनके साथ वापस 17 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके कुछ 3:30 बजे 2.5 घंटे ऑटो की ट्रिप मार के 600 रुपए पूरे वेस्ट करके हम पहुंचे यहाँ पे सिटी होटल, जहाँ से हमने जर्नी को स्टार्ट किया वापस घूम के वहीं पे आए। पर 600 रुपये और 2.5 घंटे वेस्ट करने के बाद फिलहाल हमने DVC के इंचार्ज से बात कर लिया है। वो कह रहे हैं शाम में गेस्ट हाउस के लिए एकोमोडेशन अरेंज करा देंगे गेस्ट हाउस में। अब अभी तो मुझे लग रही है भूख, क्योंकि 12 बज चुके हैं। 1 घंटे पहले मैं सो के उठा, 4 बजे मैं सोया ही था। अब चलता हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, अब चलता हूँ सीधा, कुछ देखता हूँ आसपास अगर खाने के लिए मिल जाए शायद। पर ये पूरी विलेज है गाइस, बिल्कुल विलेज है। अगर आप DVC के लिए आते हो तो बिल्कुल गेस्ट हाउस में जाके रुको, वरना कुछ नहीं होने वाला चंद्रपुरा में। मुझे लगता शायद कोई लोग विजिट भी करते हैं ऐसी जगह। ये कल रात भी जब मैं ट्रेन से उतरा तो बहुत कम ही लोग उतरे थे। पूरे इस 2 किलोमीटर के रेडियस में बस एक यही प्रियंका होटल है, छोटी सी होटल है। खाने के लिए यही एक फैसिलिटी अवेलेबल है। आप इस साइड 1 किलोमीटर, इस साइड 1 किलोमीटर, दोनों साइड जाके मैंने देख लिया और आसपास जितने लोगों से पूछा। यहाँ पे बजाज शोरूम है, यामाहा शोरूम है, TVS शोरूम है, हीरो शोरूम है, चारों शोरूम्स हैं, सर्विस सेंटर है, पर खाने और रहने के लिए कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। इस एरिया में अगर सबसे बड़ी बिल्डिंग है तो ये BJP का जो वर्किंग ऑफिस है, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। भैया से मैं पूछता हूँ कि भैया यहाँ पे कुछ है रहने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है रात में शायद मैंने ही नहीं देखा हो। यहाँ पे आसपास कोई होटल नहीं है क्या, सिटी लॉज और भरत लॉज को छोड़ के रुकने के लिए रात में? रात में रुकने के लिए ऐसा तो नहीं है। कल रात में हम 2 घंटा घूमे यहाँ से खुसरो तक गए, पर कुछ मिला नहीं। खुसरो में भी सब कुछ बंद था रात में, 1 बजे इंटरसिटी से उतरे थे। 10 बजे कुछ नहीं। हम इधर उधर भी घूमे खाने के लिए तो लास्ट में कुछ नहीं मिला। फिर हमको ये दिखा अचानक से बोर्ड तो खाने दे रहा है। आसपास में खाने का भी कुछ नहीं है ना, मतलब DVC गेस्ट हाउस है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनली गाइस खाना मिल गया। तो गाइस इसके बाद हम मिले प्लांट इंचार्ज से, हमारी सारी बातें हो गई, हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। बस अब वेट करना था हमें कल सुबह का, जब मैं ज्वाइन करता DVC को। पर कुछ रीजन से मैंने DVC ज्वाइन नहीं किया और मैं क्विट करके वापस लौट आया घर। अब ये बात तो मुझे पता है कि DVC ज्वाइन करना हर किसी के लिए एक ड्रीम की टाइप का है, जो कि हमारा भी है। पर कुछ ऐसी रीजंस थी जो मैं शायद आपको अगले वीडियो में बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो डेफिनेटली बाद में मैं ज़रूर शेयर करूँगा इस चीज़ को। तो इस रीज़न से हमने अभी सही नहीं सोचा DVC को ज्वाइन करना।